पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पांच साल बाद धोखाधड़ी का आरोपी मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाना पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आपको बता दें कि मुरादाबाद थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने धोखाधड़ी कर मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को आज गिरफ्तार कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी की मां द्वारा सन 2009 में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, तभी से ये आरोपी फरार चल रहा था। इसके खिलाफ जब कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुए तो उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया। मुकुल अग्रवाल ने बताया कि उनकी माताजी शोभा अग्रवाल द्वारा आरोपी के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी में FIR दर्ज कराई गई थी। कोर्ट से लगातार इसके खिलाफ वारंट जारी हो रहे थे। आखिरकार सिविल लाइन्स पुलिस को कामयाबी हासिल हुई और ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी माताजी ने हमारे भाइयों के अग्रसेंस नगर सोसाइटी के नाम से मोरा मुस्तकम में जमीनें ले रखी थी, ठीक है। उस जमीन पर ओम प्रकाश अग्रवाल ने फर्जी रजिस्ट्रियां कराई थी 2013 में, जिसके ऊपर मेरी माताजी शोभा अग्रवाल द्वारा एक FIR 2015 में कराई गई थी। उस FIR में ये सारे लोग चार्जशीटेड हुए। उसके चार्जशीट होने के बाद 9 जून 2019 से इन सबके गैर जमानती वारंट चल रहे थे, जिसमें से आज ओम प्रकाश अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया और थाना सिविल लाइन इन्होंने काफ़ी कई लोगों के साथ करा था, 20-25 लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड करा था। काफ़ी फर्जी रजिस्ट्रियाँ ये कराने में गुरु हैं, मास्टर माइंड हैं, ये काफ़ी बड़े क्राइम्स के मास्टर माइंड रहते हैं और नेटवर्क ये गिरोह बना के काम करते हैं। इनके साथ काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, अभी उनका भी निकले हुए हैं, उनको भी देर सवेर गिरफ्तार किया जाएगा। यस, 20-25 फर्जीवाड़े ये कर चुके हैं, लगभग कई करोड़ों का इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। और इनको इसमें जो चार्जशीटेड हुए हैं ये 420, 67, 68, 71 में हुए हैं। इनकी ये अग्रिम जमानतें सब खारिज हो चुकी हैं और ये 5 साल से फरार चल रहे थे। इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी की जा चुकी है। ये लाजपत नगर के रहने वाले थे, अब लाजपत नगर का मकान चोरी चोरी इन्होंने बेच कर ये इस समय वेव ग्रीन में रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं। यस, पुलिस की पकड़ से ये फरार चल रहे थे। तो कैसे पुलिस की सफलता मिल पाई? नहीं, पुलिस को ने बहुत पुलिस ने इन्हें बहुत अपना रेकी करके इनको ट्रैकिंग करके इन्हें गिरफ्तार किया है। ये काफी कई करोड़ों का फ्रॉड ये कर चुके हैं और वो सारी रजिस्ट्रियां सिविल कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं। ये मुरादाबाद में कई फ्रॉड कर चुके हैं, बाहर के इलाकों को मेरे अभी जानकारी में नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाहर के इलाकों में करी होगी, करे हो सकता है करी हो इन्होंने। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।